नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कुवैत के वीज़ा के बारे में कि कहाँ कहाँ स्कैम होता है, हम कैसे स्कैम से बच सकते हैं, और ये भी बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा की प्राइस क्या है कुवैत में और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की प्राइस क्या है। यानी कि अगर हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा तो कितना फ़ीस देनी पड़ सकती है, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना फ़ीस देना पड़ सकता है, और वीज़ा में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी वीज़ा बनवाते वक्त, तो इन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड, एक लाइक ज़रूर करेगा, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँगा, अगर आप इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, यहाँ पर मैं बात करता हूँ पहले हम वीज़ा के बारे में। फ्रेंड, वीज़ा देखा जाए तो बहुत आसान है बनवाना, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बट ये डिपेंड करता है आप पर। आपको मैं यही कहूँगा कि आप वीज़ा खुद से बनवाएं, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना लें। थर्ड पार्टी आपसे स्कैम कर सकती है। स्कैम की मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्कैम करती है, जैसे कि आपसे जैसे मान लीजिए वीज़ा की कॉस्ट है 5,000, तो वो क्या करते हैं कि आपसे 8,000 10,000 का डिमांड करते हैं, और आप वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं। अगर हमारा काम, हम कहें अगर 5,000 का वीज़ा अगर हमारा 6,000 में अगर वहीं करता है या फिर 6,500 ले लेता कर देता तो सही रहता, बट यहाँ पर उड़ा के पैसे थर्ड पार्टी मांगते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैसा काफ़ी लॉस होता है वीज़ा बनवाने में। और दूसरी चीज़ कि स्पैम एक और तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए वीज़ा बनवाने के लिए आप पैसे दे दिए और वो बोले कि वीज़ा बन के आ जाएगा, अब वो वीज़ा आता ही नहीं है, फिर कहते हैं हमारी दोस्त नहीं है आप में ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, इससे आप बचें। आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, आप अपने नज़दीकी एम्बेसी जाएं। बहुत सारे मैं पुराने जो वीडियो डाला था, मैं अभी पिछला जो वीडियो डाला था उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम वीज़ा कैसे बनवाएं, वीज़ा कैसे बनवाएं। तो फ्रेंड, मैं आपसे यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वीज़ा आप खुद आप अपने नज़दीकी एम्बेसी जाएँ। दो नज़दीकी एम्बेसी हैं, यानी कि दो एम्बेसी हैं इंडिया में, एक है मुंबई में, एक है दिल्ली में। मैं एड्रेस यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये मुंबई वाला एड्रेस है जहाँ पर आप जाकर अपना वीज़ा बनवा सकते हैं, और ये दिल्ली वाला एड्रेस है जहाँ पर आप अपना जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। थोड़ा समय लगता है फ्रेंड, आप मैं तो यही कहूँगा खुद से जाकर बनवाएं, किसी थर्ड पार्टी के फेवर में ना जाएं, यानी किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए, क्योंकि वहाँ पर एक मजबूरी बन जाती है, और वहाँ पर वो जब पैसा मांगने लगते हैं तो बड़ा चढ़ा के मांगते रहते हैं। और अब बात करते हैं हम स्टूडेंट वीज़ा के प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड, स्टूडेंट वीज़ा के प्राइस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर एक साल के लिए ट्रिपल एंट्री होती है, और जो हमें कुवैती दिनार में जो पैसा देना पड़ता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो देना पड़ता है हमें 28.250 कुवैती दिनार, यानी कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा पैसा आता है 6,305 रुपये के आसपास में आता है, यानी 6,305 रुपये में एक साल के लिए हमें वीज़ा मिलता है स्टूडेंट वीज़ा। और अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर हम अप्लाई करते हैं तो कितना फ़ीस देनी पड़ सकती है इसमें, यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें देना पड़ जाता है कम से कम 42.250 कुवैती दिनार। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो ये हमारा आता है 9,429 रुपये के आसपास, यानी कि 9,429 रुपये के आसपास में आता है। और फ्रेंड, ये कोई फिक्स नहीं रहता है, समय समय के साथ साल या दो साल बाद इनकी प्राइस घटाई बढ़ाई जा सकती है, और भी अदर खर्चे लग सकते हैं वीज़ा बनवाने में। तो फ्रेंड, ये तो मैं कहूँगा कि आप वीज़ा जाएँ खुद से बनवाएँ, आप अपने नज़दीकी एम्बेसी जाएँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मुंबई में एम्बेसी है और एक दिल्ली में एम्बेसी है नज़दीकी, जहाँ पर आप एक थोड़ा सा समय निकाल कर आप आराम से बनवा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में ना पड़े। वहाँ पर बहुत सारी जो वेबसाइट आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर आपके साथ स्पैम हो सकता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बचें उन सभी से। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने।